इंतजाम नहीं है, हम लोग 25 साल से रह रहे हैं और ये समझ लीजिए कि हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोगों से कहा गया कि हम आपको पट्टे देंगे, स्टार्ट करें, और हमको पट्टे भी नहीं मिले। हम लोग बहुत हैरान और परेशान हैं और ये समझ लीजिए कि अब हम कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह से हम लोगों की जिंदगी तेज हो रही है, बोलिए बोलिए, हम लोगों की जिस तरह से जिंदगी तेज हो रही है हम गरीबों की, मैं बता नहीं सकती और बाकी क्या कह सकती हूँ। और आपको मच्छरों में ने भी काफी परेशान कर रखा, मच्छरों ने आपको, मच्छरों ने काफी परेशान किया है, मच्छरों ने कचरे ने, नाली नादान पूरा भरा पड़ा है। जी जी, तो वक्त पे यहाँ पर कचरा साफ नहीं होता। आप कहाँ रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं? पार्षद से बोल, आप कहाँ रहती हैं? जोर, आप कहाँ रहती हैं? मैं महावीर बस्ती में। ये महावीर बस्ती कहाँ पड़ती है? गांधीनगर। महावीर बस्ती में रहती हूँ, गांधीनगर, सेक्टर नंबर 1। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर अपना ये 33 अपना वार्ड नंबर। और क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि लाइट माइट की समस्या भी है अपने इधर। लाइट की क्या प्रॉब्लम है? लाइट की ये प्रॉब्लम है, खंभे भी नहीं लगे एक एक घर में। मतलब वो समस्या ये है कि मतलब बिजली दो खंभे हैंगे, मतलब पूरे वार्ड में मतलब कम से कम दो खंभे अपने। अम्मी ने कांग्रेस में क्या काम किया? एक कार्यकर्ता की एसएस से नेताजी कहलाती हैं, बताइए। मैंने 25 साल कांग्रेस के साथ में रह करके काम किया, मगर राजू मीना जब से आए पार्षद बन करके सबकी लुटिया डुबो दिया और सबकी इज्जत खाक में मिला दिया, और बजाय गरीबों का साथ देने के वो अपना पेट भरने लगे। राजू मीना अपना पेट भरने लगे और गरीबों को दूर भगाने लगे। ये राजा राजू मीना ही है इस बात का, राजू मीना की मिसिस है ना इस बात की पार्षद। इसीलिए जनता कमजोर पड़ गई और सरकार भी कमजोर पड़ गई थी इस राजू मीना के वजह से, विधायक के वजह से सरकार कमजोर पड़ गई, समझे। विधायक ने राजू मीना की बात मानी और राजू मीना ने विधायक की बात मानी, इसलिए सरकार जो है कमजोर पड़ गई और गिर गई। और अगर इसी अंदाज से रहेंगे तो ये आगे बढ़ नहीं सकते। ये वार्ड नंबर कौन सा कहलाता है? 33। आगे चल नहीं सकते, ये कितने सर के बल खड़े हो जाए तो आगे चल नहीं सकते, इसलिए कि जनता से बढ़ाव होता है। नहीं, आपने 25 साल खिदमत की है कांग्रेस की, आप कार्यकर्ता रही, कोई कांग्रेसी आया है यहाँ पर आपके पास आपका हाल जाल पूछने? मेरे साथ कांग्रेसी नेताओं के नाम बताइए, किन से जुड़ी थी? 25 साल में मेरे साथ में जोधा राम गुर्जर थे, सुनील सूद थे, आरिफ अकील थे और नासिर पार्षद। तो ये लोगों ने सुध ली। आप, आरिफ अकील मंत्री बन चुका है, उनके पास हज का बहुत बड़ा कोटा मिला, उनको कभी गई कुछ काम करते हैं आरिफ अकील आपका? आरिफ अकील ने मेरा बहुत साथ दिया, आरिफ अकील ने मेरा साथ दिया, जोधा राम गुर्जर ने मेरा साथ दिया, सुनील सूद ने मेरा साथ दिया, मेरा क्या जनता का साथ दिया। और जो मैंने उन लोगों से कहा वो उन लोगों ने किया, पर पार्षद ने कुछ भी नहीं किया। कल लगे तुम कांग्रेस के, हम बीजेपी के, हम बीजेपी के, तुम कांग्रेस के। हमने कहा कि हम कांग्रेस वाले। कमलनाथ जी से क्या चाहती हो? मुख्यमंत्री बन चुके हैं आप, कांग्रेस की पुरानी कार्यकर्ता हैं, क्या चाहती हो आप उनसे? मैं उनसे ये चाहती हूँ कि मेरी बस्ती को पट्टे मिल दिए जाए और मेरे गरीबों को सहयोग किया जाए, और मैं ये चाहती हूँ जो मजबूर हैं, औरतें बेसहारा हैं, उनको सहयोग होना चाहिए। कमलनाथ जी से मेरा ये कहना है कि जो मजबूर औरतें बेसहारा हैं, उनको साथ मिलना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, तो उनकी जीत है। ये थी तैया बीबी, जिन्होंने अपनी पूरी बातें बताई हमसे, किस तरह से यहाँ पे दिक्कतें और परेशानियां हैं, पट्टे नहीं मिले हैं। तो वर्तमान सरकार से वो चाहती हैं कि वो यहाँ पर आए, गरीबों का सहयोग दें और पट्टे जो नहीं मिले हैं उनको पट्टे दिए जाएं, ताकि बस यही वो चाहती हैं। और अपने बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो मैं लाइफ ओके न्यूज चैनल की एज ए स्पोक्स पर्सन मैं यहाँ पे विनती करता हूँ वर्तमान सरकार से कि वो यहाँ आए और गरीबों की सुध लें। धन्यवाद।